गुड मॉर्निंग। सो आज है 6 अगस्त और अब 5:30 बज रही है। लग नहीं रहा है कि 5:30 बजी है, बट मौसम सुबह होने वाली है सनराइज से पहले। So today we are hitting biceps. Roshu is all ready for bicep. Yes. No, she's not ready for bicep. But I just had nimbu pani. So Roshu ne pehli baar shahad aur nimbu pani piya subah subah. Aur Roshu ne nimbu thoda sa zyada dal diya, to it was like khatta. Bahut khatta. Daat. Aur mere pure daant khatte ho gaye. Aur pura niche sab geela hai. Isliye maine ye mat mangwaya Roshu se upar. ताकि हम लोग इसके ऊपर अगर बैठना हो तो इस पे बैठें, क्योंकि सब तरफ बारिश हुई है आज और सब गीला है। लेट्स स्टार्ट वर्किंग आउट। सो डन विद द एक्सरसाइज। अब ये सब जो एंड योगा, यस। तो अब ये सब चीज़ें नीचे ले जाने का एक्सरसाइज करना है और फिर ब्रेकफास्ट करना है। आफ्टर वर्कआउट फ्लेक्स। तोंदू भी दिख रही है मीती की। मीती गया है ऑफिस और मैं बैठ के आईपैड पे ढूंढ रही हूँ कुछ कि कुछ दिख जाए मुझे। आज बहुत दिन हो गए मैं टीवी देखने का, एक्चुअली मुझे इतना शौक़ नहीं है। मैं आईपैड पे या तो वीडियो कुछ कभी कभी बहुत कभी वीडियोस देख लेती हूँ या फिर कुछ मूवी देख लेती हूँ। मोस्टली हम लोग सैटरडे नाइट हम लोगों की मूवी नाइट होती है, सो हम लोग मूवी देखते हैं। तो इस बार देखी नहीं हम लोगों ने। और मुझे एक और चीज़ करनी है जो कि है, जैसे मीटी को डार्क और बहुत सारे सीरीज़ पसंद है नेटफ्लिक्स की, वैसे ही मुझे बिग बैंग थ्योरी बहुत पसंद है और मैं उसके 10th सीज़न पे हूँ। और आई नो कि वो शो ख़त्म हो गया है, बट पता नहीं, मैं उसके लिंक में चल रही थी, फिर बीच में बहुत सारी चीज़ें हो गई या फिर टाइम नहीं मिला, सो वो रह गया मेरा। तो सोच रही हूँ कि मैं बिग बैंग थ्योरी देखती हूँ और फिर सोचती हूँ कि मैं कैलीग्राफी का वीडियो बना देती हूँ। हाँ, मैं कैलीग्राफी का वीडियो भी बनाती हूँ। हाँ गाइस, प्लीज़, इफ़ यू डोंट नो, आई एम अ कैलीग्राफर, आई एम अ फ्रीलांसर, बट अभी क्लासेस मेरी बंद है क्योंकि मैं क्लासेस ले नहीं रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले रही मैं अभी, बट बहुत जल्दी लूँगी। कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लेने का स्टार्ट करूं, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि थ्योरिकल चीज़ें हैं जो बता सकते हैं, बट जो आपको प्रैक्टिकल करनी है वो चीज़ें मैं ऑनलाइन कैसे बताऊंगी उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो कैलीग्राफी 101 मेरा यूट्यूब का चैनल है जिसके ऊपर मैं कैलीग्राफी के वीडियोज़ डालती हूँ। सो अगर आप लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो इफ़ यू लाइक कैलीग्राफी। मैंने वहाँ पर गणेश जी बनाए हैं क्ले से, तो अगर आप लोगों को गणेश जी बनाना सीखना है कि कैसे बनता है गणेश जी घर पे, तो वो वीडियो देख के आप सीख सकते हो। और अभी मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, फिर मैं देखते हैं क्या करते हैं। डिनर टाइम। सो मैं बना रही हूँ पुलाव, पनीर के साथ पुलाव बना रही हूँ। सो पहले रखती हूँ पुलाव, फिर उसके बाद में बनाते हैं उसका मिक्सचर। सो हम लोग ब्राउन राइस भी खाते हैं बट पूरे नहीं खाते क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग उसके अंदर मिक्स कर देते हैं। तो ब्राउन राइस दावत के सबसे अच्छे हैं क्योंकि ये 15 मिनट में कुक हो जाते हैं, और जो बाकी जो मैं बहुत सारे ट्राई कर चुकी हूँ बट वो बहुत देर लगता है पकने में, ये पक जाते हैं जल्दी। माइक्रोवेव फॉर 15 मिनट्स। और गार्लिक एंड आनियंस, इसमें बहुत जल्दी फटाफट हो जाता है।
कट जाता है, चॉप हो जाता है। And I'm done. See? कितनी जल्दी हो गया। तो मैंने इसके अंदर सब खड़े मसाले डाल दिए हैं, ये जावित्री, ये तेज पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग और फूल, लाल मिर्ची। और हम लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादातर खाना घी में, गाय का घी होना चाहिए, स्पेशली हम लोग गाय का दूध भी पीते हैं। सो माती घर में बनाती है घर का घी वगैरह, तो हम लोग प्रेफर करते हैं तेल की जगह घी में बनाना। देन आप कोई सी भी वेजिटेबल ले सकते हो, मैंने लिया शिमला मिर्ची, पत्ता, गाजर और टमाटर, और फिर से डन। सी कितनी जल्दी बनता है ना इसमें, नहीं तो बैठ के काटते रहो। मैं उसमें कल नूडल्स बना रही थी तो बहुत देर लगी थी मुझे काटने में, क्योंकि उसके अंदर स्लाइस चाहिए रहता है। तो इसके अंदर अब ये मिक्स कर देती हूँ, थोड़ा सा तक भी उसने कर रहे तक पकाओ, उसको बहुत पकाना नहीं है, इसका क्रंची ने सारा किया फिर चावल में, क्योंकि चावल होते हैं सॉफ्ट, तो क्रंची कुछ तो होना चाहिए। और ये गरम मसाला बाद में निकाल लेंगे। एंड मीति इज बैक, और मीति कुछ लेके आया है, क्या लेके आया? बताया मैं कुछ करने वाला हूँ स्पेशल। Oh. हम लोग इंदौर के पहले लोग हैं जो करने वाले हैं मेंटोस एंड कोक चैलेंज। इसमें से एक कोक मुझे भी दे सकता है तू पीने को, इतनी सारी कोक का क्या करेगा? हाँ पी लेना। तो अब मीती आया ऑफिस से, तो अब डायरेक्ट जाएगा नहाने के लिए, तो नहा के आएगा तब खाना खा के हम मिलते हैं। कोक का कलर कितना लाइट है पता नहीं। हाँ ये कोक इतनी लाइट, इट इज काइंड ऑफ वियर्ड टू सी सच लाइट कोक। तो अब ये हो गया है क्योंकि जो शिमला मिर्ची है उसने पानी छोड़ दिया है थोड़ा सा। तो कैरेट्स हाफ कुक रहेंगी। नाउ आई हैव टू ऐड सम रेड चिली, हल्दी, थोड़ा गरम मसाला एंड सॉल्ट। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो बॉल छड़ेगा, पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये आपको फ्लेवर देगा बहुत ऑसम वाला। तो उसमें पाव भाजी मसाला, और अब इसके अंदर थोड़ी सी शक्कर, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है या तुम स्पाइसी पसंद है तो मत डालो, मैं डालती हूँ उसके अंदर थोड़ी सी शक्कर पसी हुई, और बस चावल और पनीर। ये हो गए हैं रेडी, और इसमें मैंने डाल दिया पनीर, और अब बस धनिया डालो और थोड़ा नींबू एंड इट्स रेडी। चलो अब मीठी का वेट करते हैं फिर खाते हैं इसको। तो मोटे को अच्छा लगा, बट इसको ना एक चीज़ कमी लगती है, इसमें प्याज होने से तले हुए, तो तले हुए प्याज वो बनाते हैं ना छोटे छोटे से बारीक बारीक से प्याज डाल के। मैंने दम बिरयानी थोड़ी बनाई है, पुलाव बनाया है। डज नॉट मैटर, टेस्ट लाइक दम बिरयानी होगी। यम्मी, या सो लोगों को ट्राई करना चाहिए, इट लाइक कमेंट एंड शेयर, लोगों को ट्राई करना चाहिए। ओके प्लीज ट्राई, और उसके साथ दही खाओ, मजा आएगा। अच्छा रेसिपी भी बताइए। सो आज हम लोग ट्राई कर, सो आज हम लोग नहीं, मैं नहीं, मीति, मैंने बोला था रोशु शायद ट्राई नहीं करेगी, सो आज मैं ट्राई करने वाला हूँ वो चीज़ जो कि लोग करने से डरते हैं, मेंटोस एंड कोक टुगेदर। सो आई विल ट्राई दिस एंड लेट्स सी, आई होप मेरे मुंह में जो वॉल्केनो बन रहा है उससे कुछ दुनिया खत्म ना हो जाए। दुनिया कुछ भी, लेट्स ट्राई, कुछ भी, कुकू है मेरा पति। This works. So पहले मैं मेंटोस लूंगा, आई थिंक इतनी काफी है। सी ओके, ऑल द बेस्ट, गुड राइट। Yeah.
तो वील ट्राई विथ इनो एंड रोशु ने मुझे बोला है कि पानी होना चाहिए थोड़ा सा. दिस इज लिजिट इनो. कूल कूल मिंट. एक हाथ में मुझे ये रखना है. ठीक है रेडी. एंड होल्ड इट. वही नाक में चला गया. यू कांट होल्ड इट राइट. तो देखो मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है. इफ यू लाइक द पागलपन मस्ती मजाक एंड व्हाट एवर वी डू, अगर मेरे ऊपर कुछ लगा है तो प्लीज अवॉइड. और इफ यू लाइक द पागलपन मस्ती मजाक एंड व्हाट एवर वी डू, सो जस्ट हिट लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और हम आपको मिलेंगे कल.